हेलो दोस्तों, वेलकम बैक कुकिंग विद साक्षी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ कचौरी, जो कि मैं रात की सब्जी का इस्तेमाल करके बनाऊंगी। अक्सर सभी के घरों में रात की या सुबह की सब्जी बच जाती है, तो उसका कैसे रीयूज करके आप ये कचौरी बनाएंगे, और ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कचौरी बनाना। अपने इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहले हम आटे में मोयन लगा लेंगे। तो ये मैंने एक बाउल आटा लिया है और छोटे बाउल से ये सूजी लिया है, तो जितना हम आटा लेंगे उसका आधा सूजी लेंगे, और ये आधा छोटा चम्मच अजवाइन है, नमक लेंगे हाफ टी स्पून। अब इसमें ऑयल डालेंगे हम, तो 2 से 3 स्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे और अच्छे से इसका मोहन करेंगे हम। इसको अच्छे से मसल मसल के मोहन करना है। देखिए, आटे में अच्छे से मोहन हो गया है और ये ऐसे बनने लगे हैं। तो अब इनको हम एक साइड रखेंगे और एक बड़ा सा बाउल लेंगे, और ये जो सब्जियां हैं हमारी, इनको हम मैश कर लेंगे पहले, तो स्पून की मदद से इसको ऐसे से मैश करेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने रात को सब्जी बनाई थी पत्ता गोभी सोया और आलू की, तो बच गई थी, तो उसी से मैं कचौड़ी बनाऊंगी। ये बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो देखिए मैं इसको कैसे बना रही हूँ। देखिए, सब्जियाँ अच्छे से मैश हो गई हैं। अब हम इनको आटे में ऐड करेंगे। तो ये आटा है जो मैंने किया हुआ, इसमें हम सब्जियों को डाल देंगे। उनको अच्छे से आटे में मिक्स करेंगे। देखिए, सब्जी हम अच्छे से मिक्स हो गई है आटे में। अब इनका हम टाइट सा डो तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम इसमें। ये मैंने हाफ ग्लास वाटर लिया है, तो इसका टाइट सा एकदम डो तैयार कर लेंगे। देखिए, आटा तैयार हो गया हमारा और ये टाइट सा डो तैयार हुआ है। अब इनकी हम लोइयां बना के पुड़िया बेल लेते हैं। तो लीजिए, सारी लोइयां मैंने बना ली हैं। अब इनकी हम एक एक करके पुड़िया बेल लेते हैं। थोड़ा मोटा ही बेलना इनको। देखिए, ऐसे ही इतना मोटा हमें बेलना है। ऐसे ही करके हम सारा बेलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी पूड़ियां बेल के मैंने तैयार कर ली हैं। अब इनको एक एक करके हम तल लेते हैं। तो पहले से मैंने तेल गरम किया हुआ है। अब इनको हम एक एक करके कढ़ाई में डालेंगे और इनको हल्का सा प्रेस करते हुए ऐसे फ्राई करना है हमें। फ्लेम हमारा हाई टू मीडियम रहेगा। देखिए, धीरे धीरे फूलने लगे हैं। अब इनको हम दूसरे साइड में पलट लेंगे और ऐसे ही इनको तल लेंगे। देखिए, पूरी ये फ्राई हो गई है और कितनी फूली फूली है। तो अब इनको हम निकाल लेंगे और इधर दूसरी पूरी डाल देंगे और ऐसे ही करके हम सारी पूड़ियाँ फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी पूड़ियाँ फ्राई हो गई और आप देख रहे हैं कि कितनी फुली फुली सारी कचौड़ियाँ हमारी बनी हैं। अब इनकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं।
तो लीजिए फ्रेंड्स, रात की बची सब्जी से कचौड़ी बनके तैयार है और एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितना खस्ता बना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी खस्ता बनी है। आप इसको सब्जी के साथ या चटनी, सॉस, अचार किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को घर पे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। मुझे यकीन है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा और साथ में शेयर भी करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।